नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल वज़ीफ़ा 786। जैसा कि आपको पता है, आपका अपना चैनल वज़ीफ़ा 786 रोज़ आप लोगों के लिए नए तावीज़, नए वीडियो, नए नक्श, नए अमल, नए वज़ीफ़े लेकर हाजिर होता है। इंशाल्लाह ताला आज फिर से नया तावीज़, नया वजीफा, नया अमल, नया नक्श लेकर हाजिर हुआ है आपका अपना चैनल, आपका अपना चैनल वजीफा 786। प्यारे दोस्तों, इतनी पावरफुल तासीर का ये नक्श है, इतनी पावरफुल तासीर का ये अमल है, इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को पूरी कामयाबी मिलेगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोग हमारे चैनल की वीडियो को मिस ना कर पाएं। आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। प्यारे दोस्तों, इतनी पावरफुल तासीर का ये ताबीज है, इतनी पावरफुल तासीर का ये नक्श, इतनी पावरफुल तासीर का ये अमल लेकर हाजिर हुआ है आपका अपना चैनल वजीफ़ा 786। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये ताबीज किस काम के लिए है, किस काम के लिए नहीं है, ये चीज़ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देता हूँ, अच्छी तरीके से समझा देता हूँ ताकि आप लोग कोई मिस्टेक, कोई गलती ना कर पाएँ। इंशाल्लाह ताला ये ताबीज जो है इतनी पावरफुल तासीर का ताबीज है। आज तक उम्मीद रखता हूँ आज तक आपको ऐसा ताबीज, ऐसा नक्श किसी ने नहीं दिया होगा, ना कोई लेकर हाजिर हुआ होगा। इंशाल्लाह ताला इतनी पावरफुल तासीर का ये ताबीज, इतनी पावरफुल तासीर का ये अमल, ये किस काम के लिए ये अमल है? मुराद पूरी हो, इस ताबीज से मुराद पूरी हो, अपनी मुराद पूरी करने का इतना पावरफुल ताबीज, इतना पावरफुल नक्स है इंशाल्लाह ताला। जो मुराद आप चाहते हैं अपने, आपके दिल में जो मुराद होगी वो मुराद पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इतनी पावरफुल तासीर का ये ताबीज, इतनी पावरफुल तासीर का ये नक्श है, मुराद पूरी हो, ये मुराद पूरी करने के लिए ये अमल है इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लेना है, किस तरीके से इस्तेमाल में नहीं लेना, ताकि आप लोग कोई गलती, कोई मिस्टेक ना कर पाएँ, इसको बढ़िया तरीके से ही बनाएँ और पाकी की हालत में बनाएँ, ना कि नापाकी की हालत में इस पर हाथ भी ना लगाएँ, पाकी की हालत में ही बनाएँ। प्यारे दोस्तों, ये ताबीज जो है इस नक्श को लिखकर, इस नक्श को बढ़िया तरीके से लिखकर अपने पास रखें, मतलब कि इस नक्श को बढ़िया तरीके से लिखकर अपने पास रखें। जिस काम के लिए आपका इरादा करेगा, मतलब आपका इरादा करे या होगा, मतलब कि आपका इरादा करेगा जिस काम के लिए, इंशाल्लाह ताला मुराद पूरी होगी। इस ताबीज को जिस काम की, इस ताबीज़ को जब बनाकर लिखकर अपने पास रखें और दिल में जो तहैया होगा, दिल में जो ख्याल होगा, दिल में जो ख्याल मुकद्दस होगा, तो उसको आपके दिल में जो भी ख्याल है, ख्याल मुकद्दस है, जैसे कि मुराद पूरी करने के लिए, किसी भी तरीके की मुराद पूरी करने के लिए इंशाल्लाह ताला इस ताबीज़ का इस्तेमाल करें, ये मुराद पूरी हो जाएगी इस ताबीज़ के इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला। ये ताबीज़ मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ, बढ़िया तरीके से समझाता भी हूँ ताकि आप लोग कोई गलती, कोई मिस्टेक ना कर पाएँ। अगर कोई गलती मिस्टेक आपको लगती भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को बना कर दिखाता हूँ किस तरीके से बनाया जाएगा ये ताबीज़, ये नक्श इंशाल्लाह ताला। ये ताबीज़ जो है पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले ऊपर की ओर 786 लिखनी है, 786 यहाँ लिख दे। लिखने के बाद में 786 लिख दिए, लिखने के बाद में अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सीधे हाथ की ओर से इधर से लिखना है, ना कि इधर से, इधर से लिखना है। उर्दू में कोई भी चीज़ होती है तो सीधे हाथ की ओर से ही लिखी जाती है, ये चीज़ मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले 1, 3 ये लिख दिया, लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर 5, 4 ये यहाँ पर लिखने के बाद में अब 2 और यहाँ पर 4, अब यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3,
ये लिखने के बाद में इंशाल्लाह ताला ये एक लाइन कंप्लीट हो गई है आपके लिए। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग कोई भी मिस्टेक कोई गलती ना कर पाएं। अब आपके लिए यहाँ पर तीन चार सात तीन दो तीन चार चार। प्यारे दोस्तों ये दूसरी लाइन कंप्लीट होगी ताकि आप लोग कोई गलती कोई मिस्टेक ना कर पाए। जिस तरीके से आप लोगों को वीडियो में समझाया जा रहा है, जिस तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, उसी तरीके से आप लोग इस्तेमाल में लेंगे ताबीज को, इस नक्श को इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर छः और यहाँ पर तीन, यहाँ पर ज़ीरो और यहाँ पर आठ चार तीन तीन और यहाँ पर छः चार चार तीन पाँच तीन एक चार। प्यारे दोस्तों ये ताबीज बनाकर रेडी कर दिया गया इंशाल्लाह ताला। ये आप लोगों के सामने अच्छी तरीके से बनाकर रेडी किया गया ये ताबीज़ ये नक्श, ताकि आप लोग कोई गलती कोई मिस्टेक कभी किसी वक्त ना कर पाए। अच्छी तरीके से समझाया जाता है, एक लाइन टू लाइन हरूफ बा हरूफ आप लोगों को लफ्ज़ बा लफ्ज़ समझाया जाता है इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोग कोई मिस्टेक कोई गलती ना कर पाए। ये आपका अपना चैनल वजीफा 786 रोज़ आपको नया ताबीज़ नए वजीफे लेकर हाजिर होता है इंशाल्लाह ताला। आज फिर से नया ताबीज़ ये वजीफा लेकर हाजिर हुआ है, ये मुराद पूरी करने के लिए। आपके दिल में कोई भी मुराद हो, जब आप इस ताबीज़ को लिख लें आपके दिल में जो भी मुराद होगी वो मुराद पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। इतनी पावरफुल तासीर का ये ताबीज़, इतनी पावरफुल तासीर का ये अमल, इतनी पावरफुल तासीर का ये नक्श मुराद पूरी करने के लिए, मुराद के लिए इतनी पावरफुल वाला तासीर वाला ये नक्श है। इस नक्श को लिखकर अपने पास रखें, इस नक्श को लिखकर अपने पास रखें। जिस काम के लिए इरादा करेगा इंशाल्लाह ताला मुराद पूरी हो जाएगी, जिस काम के लिए इरादा करेगा उस काम के लिए इंशाल्लाह ताला मुराद पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आप लोग हमारे चैनल की वीडियो को मिस ना कर पाएं। आपका अपना चैनल वजीफा 786। प्यारे दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करें वजीफा 786 2021 पे, वजीफा 786 2021 पे फॉलो कर लें इंशाल्लाह ताला। गुल खिलेंगे गुलशन खिलेंगे जिंदगी वाखर रही, तो फिर मिलेंगे। आपका अपना चैनल वजीफा 786। अस्सलाम वालेकुम।